जेएनयू के वीसी शांत श्री जी ने जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाया है, अब बताइए इन लोगों ने सस्ती लोकप्रियता को लेकर लगातार, मैं देखता हूं चाहे वो फिल्मी एक्टर हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, चाहे वामपंथी लोग हों, चाहे ऐसे फिल्मी एक्टर जो लगातार अपनी सस्ती लोकप्रियता के लेकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी करना, मजाक करना। और अब देखिए कि ये कुलपति महोदय का भी, वीसी का ये भाषा है कि भोले बाबा ब्राह्मण एससी ओबीसी, भगवान की कौन सी जाति न ब्राह्मण एससी न ओबीसी, ये तो लौकिक व्यवस्था में व्यवस्था चलाने के लिए जब इस प्रकार की वातावरण बनी है तो कैसे व्यवस्था चलाई जाए। जैसे मठ में महंत होता है साधु ही होता है, मठ में पुजारी होता है साधु ही होता है, मठ में कोठारी होता है व्यवस्था चलाने के लिए साधु ही होता है, लेकिन ये व्यवस्था बनाया गया है। साधु है लेकिन वो महंत है, वो पुजारी है, वो कोठारी है, वो भंडारी है। उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था बनाया गया था समाज की व्यवस्था चलाने के लिए। अब देखो भगवान की भी लोगों ने जाति में बांट दिया, बताओ। तो इस प्रकार की मानसिकता गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। और हिंदू संगठनों से आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि इनके खिलाफ सारे लोग एकत्रित होकर मुकदमा पंजीकृत कराओ कि ऐसे लोग लगातार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं और कमेंट करते हैं, तो ऐसे लोग की कमेंट बंद हो जाए, इसके नाते संवैधानिक तरीके से इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, यह हमारी मांग है। जेएनयू की कुलपति महोदया ने जिस प्रकार हिंदू देवी देवताओं को जाति वर्ण भाषाओं में बांटने का प्रयास किया, ये एक कुत्सित मानसिकता है दिल्ली के इलिट बौद्धिक वर्ग की। अखिल भारतीय संत समिति इसकी घोर निंदा करती है। और मैं ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों से कहना चाहूंगा, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपने दांव आजमाइए। सनातन हिंदू धर्म की वर्ण आश्रम की व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है, यह ध्यान रखिए। और हमारे देवी देवता और महापुरुष चाहे किसी भी वर्ण और आश्रम में पैदा हुए हों, यह कालातीत हैं, वर्ण और आश्रम से ऊंचे हैं। हम न परशुराम को किसी जाति में बांट सकते, न भगवान राम को बांट सकते, न भगवान कृष्ण को बांट सकते, और न वय की सीमाओं में, उम्र की सीमाओं में बांधे जा सकते हैं। इसलिए हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बयान देने में मैं इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को कहूंगा कि अपने बुद्धिजीविता का प्रदर्शन न ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा।